नमस्कार मित्रों, आज है 25 नवंबर और आज का 24/7 ऑफलाइन क्विज। देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सारे दिलचस्प क्वेश्चन न केवल केबीसी प्रतियोगियों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि आम एग्जाम सभी परीक्षार्थियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। मैं अब ओपन करता हूँ और कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, धन्यवाद होते हैं। पहला प्रश्न है, इंडोनेशिया में औपनिवेशिक सत्ता में कौन थे? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत के उत्तर पूर्व भाग में इंडोनेशिया और अन्य थाईलैंड देश हैं। तो इंडोनेशिया में औपनिवेशिक सत्ता डच लोगों ने स्थापित की, जिस तरह भारत में अंग्रेज थे तो डच में हम सबमिट करते हैं। तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से मेघालय का लोक नृत्य कौन है? तो मेघालय का लोक नृत्य है लाहो। घूमर राजस्थान का है इसमें, तो लाहो विकल्प में सबमिट करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सितंबर 1970 में ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी पेले मोहन बगान के खिलाफ खेलने के लिए किस क्लब के साथ भारत आए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो न्यूयॉर्क कॉस्मॉस क्लब के साथ भारत आए थे, सबमिट करते हैं इसमें। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महासागर को किस समुद्र से जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? तो इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन हर्षवर्धन ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 7 है, नृत्य के देवता नटराज किस भगवान का चित्रण है? तो नृत्य के देवता नटराज में भगवान शिव का चित्रण है, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा शहर पाव भाजी और बड़ा पाव के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई पाव भाजी और बड़ा पाव के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पर्ल मिलेट को किस नाम से जाना जाता है? पर्ल माने होता है मोती, मोती की तरह वाला अनाज यानी बाजरा को पर्ल मिलेट कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 10 है, उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग 2 के नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, सबमिट करते हैं। बिल्कुल सही है। इस तरह आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए गए और सारे सही हुए। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये कार्यक्रम और मेरा ये चैनल अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।